तो मैं हूं आपका उस्तोंग एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, इस बार कुछ नई चीज लेकर आया है जिसके ऊपर हो रहा है काम। तो यार जैसे आप लोगों को पता है, अब हम लोगों ने चैनल के ऊपर क्या कर दिया, इंजन से रिलेटेड काम और पेंट से रिलेटेड काम अब हमने धीरे धीरे करके सारा काम कर दिया, स्टार्ट और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड काम भी। तो जाके आप लोग करो इंजॉय कि इस बार हम लोगों ने क्या नया काम करा, तो आप लोग जाके करो वीडियो को इंजॉय। तो दोस्तों आज हमारे पास पल्सर 220 देख सकते हैं आप। तो इसका क्या है, इसका वन वे क्लच जो है वो टूट गया और इसका वन वे क्लच डालते हैं, देख सकते हैं वीरा वन वे क्लच इसका। तो इसका वन वे क्लच टूटने का जो रीज़न रहता है, इसका ये गोलियाँ देख सकते हैं बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो बाकी पल्सर 150 की तो मिल जाती हैं गोलियाँ, इसका पूरा क्लच ही डालना पड़ता। अन्य क्लच देख सकते हैं बिल्कुल ये ठीक है, पर इसका सामान नहीं मिलता। ये जो इसकी होती है ना, ये इसका अलग से नहीं आती है, क्लच के साथ ये कम्प्लीट आती हैं, तो इसलिए इसे पूरा डालना पड़ता। बाकी 150 का होता, ये देख सकते हैं गोलियों का सेट है, ये पूरा सेट आता और डाल देते हैं और ख़राब होता तो ज़्यादातर। अब क्या है इसमें, ये जो देख सकते हैं ये 150 की है, पर ये हम पूरा सेट लिया है इसका। तो इसमें सेट के साथ गोली नहीं आती, कंपनी गोली नहीं देती सेल की, तो सेल की गोली हम उसमें से निकाल के डालेंगे। बाकी इसका ये जो है ये गोलियों के साथ इसके आते हैं लगे हुए, तो ये अलग से नहीं आते, ये पूरे सेट के साथ जाते, ये टूट जाते। इसका टूटने का भी रीज़न ये रहता है गाड़ी का, जब भी आप सर्विस करवाओ गाड़ी की तो इसका जो है ना ये बोल्ट ढील हो जाते हैं, इसके ए लिंक के वाले बोल्ट होते हैं ये, जब हम सेल को मारते हैं तो ये ढील हो जाते हैं, इसके भी ढीले ही पड़े थे, जिसकी वजह से तुम भारी गाड़ी है तो सेल की है नहीं तो सेल की है, तो सेल जितना मारेंगे तो झटका लगता है इंजन को, तो बोल्ट ढील हो जाते हैं। बोल्ट ढीले होने के बाद ये टूट, ये सामान इसका वन वे क्लच ख़राब हो जाता। तो जो बहुत से शिकायत दे रही हमारा वन वे क्लच जल्दी जल्दी ख़राब होता, तो ख़राब होने का रीज़न इसका ये रहता है कि ना ये बोल्ट इसके ढील हो जाते हैं, ढीले होने के बाद ये खराब जी झटका लेता है, ये टूट जाते हैं। तो कभी बोल्ट भी टूट जाते हैं, मैग्नेट के अंदर जब गाय ढील हो जाते हैं, ये गोलियाँ टूट जाती हैं। हमारे भाई की गाड़ी है, ये काफ़ी लंबे लंबे रोडों पर चलती रहती है गाड़ी, और भाई सबको काफ़ी नॉलेज भी है गाड़ी के बारे में। ये देखो ये हमने सब खोल दिया, तो इसके अंदर ही देख सकते हैं आप गोलियाँ नहीं निकली हैं, तो आप ओरिजिनल भी लोगे तो इसमें गोलियाँ नहीं आती हैं। सेल्स की गोली हमें ये अलग से पल्सर 150 में जो क्लच आया उसकी गोलियाँ खोलो इसे, क्योंकि ये इसके गुटके टूट गए हैं, ये गुटके अलग से नहीं आते, तो सिर्फ पल्सर 150 के गुटके आते हैं। ये देख सकते हैं बाकी जो हैं गुटके, ये हमारे पल्सर में डल जाएंगे ये गुटके जो हैं, ये नहीं, बस हमें इसमें से ये सेल की ये गोलियाँ डालनी पड़ेंगी इसके लिए। तो ये हमें सेल्स की गोली अलग से लेनी पड़ेंगी, और ये वन वे क्लच अलग से लेना पड़ेगा जब भी गाड़ी में डालें। वो इसका ध्यान रखें, जो बोल्ट होते हैं ना, ये यहाँ बोल्ट खींचे रहते हैं, ये ढीले होने के बाद ये वन वे क्लच इसका टूटता, वैसे ना खराब होता है, ये बोल्ट इसके टाइट रहेंगे तो वन वे क्लच में दिक्कत नहीं आने की है। कभी बोल्ट टूट जाते हैं और टूटने के बाद इसके अंदर ही टूट के गिर टूट जाते हैं आधे और आधे में को, तो इसका सर्विस पे जब भी सर्विस करवाओ तो इसे खुलवा के मैग्नेट को इसके बोल्ट जरूर चेक करवाओ।
तो दोस्तों ये हमने इसमें फिट कर दिया है इसका वन वे क्लच, और क्लच करने के बाद इसमें क्या करते हैं हम थोड़ी थोड़ी सी जिसके बोल्ट होते हैं तीनों हमने बोल्ट कर दिए, आप देख सकते हैं ये तीनों, और इन्हीं जो बोल्ट की आप बात कर रहे थे इन्हीं के ढील होने की वजह से ये क्लच हमारा ख़राब होएगा, जब ये ढील हो जाएंगे तो झटका लगेगा, तो ये काफ़ी स्पीड गाड़ी में क्योंकि 220 सीसी है तो पावर ज़्यादा होती है तो ये झटके से बोल्ट टूट भी जाते हैं अक्सर, अन्य ढील होने के बाद इसके जगह हम जो देख रहे प्लास्टिक के गुटके होते हैं ये टूट जाते हैं झटके लगने से, तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ी थोड़ी जब भी डालो तो इसमें थोड़ी बोल्ट में फेविकोल डाल दो जिससे ढीले होने के चांस बहुत कम रहते हैं। हम थोड़ी थोड़ी फेविकोल के पीछे में डाल दी है, ये हमने थोड़ी थोड़ी फेविकोल डाल दी है जिससे ये चूड़ी इसकी थिंकिंग ही जाम हो जाएंगी। आपने कभी देखा होगा खोलते में तो चूड़ियों पर कभी उठने कल खोलोगे तो ये बहुत ही टाइट खुलते हैं और उसका हल्का सा मसाला लगा हुआ होता है, तो कंपनी से नहीं है देती है तीन बोल्टों पे रुका रहता है पूरा क्लच, बाकी हम इसकी सफाई करके इसे फिट करते हैं। ये रहा इसका क्लच, ये रहा इसका पुराना क्लच, और इसे देख सकते ये गाड़ी पे भी इसके ये निशान आ गया थोड़े सा, पर इसे कोई दिक्कत नहीं चल जाएगी। तो दोस्तों गाड़ी हो गई अपनी तैयार, गाड़ी कंडीशन देख लें और आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके गाड़ी। पहले क्या था गाड़ी में आवाज़ आ रही थी बहुत सेल मारने के बाद मैग्नेट से, अब देख सकते हैं कोई आवाज़ भी नहीं है, और बाकी है सेल भी का जब ख़राब हो जाए तो सेल भी नहीं लगेगा, रेखा हो जाता है कभी कभी सेल की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आपको एक बात और बता दूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है जब सेल की इकरम की गोली टूट जाती है ना भाई, तब को तुम्हारी जानकारी है, तो इसका जो है ना मैग्नेट जाम हो जाता है, एक तरीके से इंजन जाम हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसा लगता है जैसे कि इंजन सीज हो गया, तो गाड़ी आपस में फंस जाती है तो मैग्नेट नहीं घूम पाता, जब मैग्नेट घूमे तो इंजन जाम हो जाएगा, तो कभी ऐसा भी हो जाता है। हाँ देख सकते हैं गाड़ी अपनी ये है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे भी आपको कोई जानकारी होगी आपको दे दे रहे हैं।
कि आप लोगों ने प्रॉपरली सारा काम देख लिया होगा कि भाई कैसे कैसे सारा काम करा है। इस बार क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता इंजन वाला काम भी हम लोग ले रहे हैं, इस बार हम लोग क्या है रीबिल्ड वाला काम भी ले रहे हैं। अगर आप समझ कुछ टूट चुक गाड़ी है उसका भी काम हो जाएगा, पोस्ट चुक गाड़ी है उसका भी काम हो जाएगा, इंजन से रिलेटेड सारा काम हो जाएगा हमारे पास, टायर से अलॉय व्हील बैंड रिम के ऊपर या शाइनिंग के ऊपर कोई भी मतलब ए टू जेड हम धीरे धीरे करके अपने चैनल के ऊपर सारा काम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी सपोर्ट करते रहो यार, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो, और भी ज़्यादा प्यार करो और भी ज़्यादा हमारे चैनल को और भी ज़्यादा आप लोगों की डिमांड। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कोई भी डिमांड है जैसे कि आप लोगों की स्कूटी या बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोग हमें कॉल करते हो तो कॉल करने का जो टाइम है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में ही काम करना, कॉल करना, इसके बाद मत करना, क्योंकि यार बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं जो थोड़ा रात में कॉल कर देते हैं, तो उनके लिए भी मैंने स्पेशली अलग से कर दिया है। इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर समीर सिंह, मिस्टर समीर सिंह नाम से आपको या तो मिस्टर समीर सिंह या फिर दूसरी मिलेगी आपकी मॉडिफाइड बाइकर्स, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक में फॉलो कर लो और वहाँ पे आप लोगों को हमारा कमेंट कर दो। आप लोग को वीडियो उस जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो होगी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसी वीडियो के साथ साथ हम लोग एक काम और कर रहे हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे आप लोग कभी ऐसा होता है कि भाई बंदा कोई रास्ते में फंस जाता है, तो वैसे हम कुछ छोटे छोटे पार्ट्स लेकर भी आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कल को रास्ते में बीच रास्ते में फंसो तो उस काम को छोटा छोटा काम आप अपने आप ही कर सकते हैं। उसके लिए भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ पर्सनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर स्कूटी है या फिर आप लोगों के पास बाइक है, तो यार आप लोगों को बाइक या स्कूटी के साथ ना हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप लोगों को टूल किट मिलती है बाइक के साथ, हर बाइक के साथ हर कंपनी टूल किट प्रोवाइड करती है, और स्कूटी की भी बात करो तो हर कंपनी जो है स्कूटी की भी टूल किट प्रोवाइड करती है। तो भैया इस चीज़ों को हमेशा अपने पास जरूर रखना। और मैं आप लोगों को कुछ टाइम के बाद, और हाँ चलो मैं ये भी बता देता हूँ कहाँ पर रखनी है, तो यार देखो सीट के नीचे, अगर आपके पास जैसे स्प्लेंडर हीरो की कोई बाइक है तो आपने देखा होगा सीट के नीचे हल्का सा ऐसे छोटा सा बॉक्स बना होता है टूल बॉक्स, या फिर आप देखोगे तो फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ भी आप लोग रख लो, लेकिन टूल की जरूर रखो, फर्स्ट एड बॉक्स भी भाई जरूर रखो। और स्कूटी वालों को तो कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्कूटी के लिए तो भाई प्रॉपरली अच्छी खासी डिग्गी प्रोवाइड हो गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो, जो करना है वो बोलेगी मजबूत मांगनी है कि हम खाते हैं राहुल करके उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।